जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग गायत्री शुगर्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। शुगर के सेक्टर में काम करने वाले एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बेहतरीन कहने के पीछे बहुत सारी वजहें भी है। सबसे पहले तो यदि पिछले कुछ दिनों का इसका रिटर्न देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न निकालकर इस स्टॉक ने दिया है। यदि सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 400% का रिटर्न निकालकर दिया है, और यदि 1 साल की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने तकरीबन 600%+ का रिटर्न निकालकर दिया है। आसान भाषा में कहें तो तकरीबन 1 साल पहले किसी व्यक्ति ने इसमें 1,000 रुपये लगाए रहते तो अब तक तकरीबन वो 7,000 रुपये, और यदि 1 लाख रुपये लगाए होते तो अब तक तकरीबन 7 लाख रुपये वो बन गए होते। सिर्फ 6 मंथ पहले भी किसी ने 1 लाख रुपये का इसमें निवेश किया होता तो अभी तक तकरीबन 5 लाख रुपए उसके बन गए होते हैं। तो इतना बेहतरीन स्टॉक है, इतना दमखम रखता है आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाल कर देने के लिए, तो इसको इस वीडियो में डिस्कशन करना काफी जरूरी है। चलिए समझते हैं गायत्री शुगर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज कैसा स्टॉक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक के काम के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि गायत्री शुगर्स शुगर के सेक्टर में काम करती है, शुगर्स बनाती है, लेकिन ये जो स्टॉक है गायत्री शुगर सिर्फ शुगर ही नहीं बनाती है। आजकल आपको पता है कि जितनी भी शुगर बनाने वाली कंपनियां हैं शुगर के साथ साथ एथेनॉल का भी निर्माण करती है, और एथेनॉल कितना अहम चीज़ है आज के समय में वाहन को चलाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक दिन खत्म हो जाएगा और एथेनॉल से तो प्रदूषण भी नहीं फैलता। इसलिए जो शुगर्स बनाती है वही कंपनी एथेनॉल भी बनाती है, और इस दोनों ही चीज़ों का डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है और बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा यदि हम गायत्री शुगर्स की बात करें तो ये शुगर और एथेनॉल के अलावा देखेंगे तो पावर जनरेशन में भी काम करता है, यानी कंपनी का एक अलग से बिजनेस है जो मेन बिजनेस से हटके है, और उससे भी कंपनी की कमाई होती है, लेकिन जो मेजर कमाई होती है वो शुगर और एथेनॉल से ही होती है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 170 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी सिर्फ 13 के करीब है, यानी कि पी बहुत कम है, और ये बहुत अच्छी बात है। पी जितना कम रहे उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन वैल्यूएशन भाई शेयर प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, 26 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। खैर, हमें इस प्राइस पर तो कंपनी इसको उठाना नहीं है, हमें चार्ट देखेंगे और वहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस जगह पर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठा सकते हैं, कहाँ पर इसे बाई कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं 3 साल के चार्ट पर। 3 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे करके कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। और यदि हम इस साल की बात करें तो मई के बाद से देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस एक सुर में एक लगातार कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही गया है। और जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हो गया है, कहीं ना कहीं एम टाइप बनते हुए इसमें नज़र आ रहा है। तो देखिए, जब भी किसी शेयर में के शेयर के चार्ट पर एम पैटर्न बनता है तो वो संकेत होता है कि प्राइस नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है जो इसका ये सपोर्ट लाइन होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये इस कंपनी का सपोर्ट लाइन बनेगा 20 रुपये करीब। अब ये कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ सकता है तो हो सकता है कि 25 रुपये के आसपास ही आके यहीं से रिट्रेसमेंट मार के प्राइस ऊपर चले जाए, या 25 रुपये के नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो 20 रुपये तक आ सकता है, और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट मार के प्राइस ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे आने के चांसेज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए 20 रुपये के करीब आता है, और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट मार्केट प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। जो नए व्यक्ति हैं वो 20 रुपये के करीब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि 25 रुपये के करीब उठाते हैं तो फिर हो सकता है कि आगे चल के आपको एवरेजिंग करना पड़ जाए, इसलिए आप थोड़ा और वेट कर लीजिएगा। तो नए व्यक्ति के लिए इसमें क्या करना हो तो मैंने बता दिया, साथ में जिसका पहले से इसमें इन्वेस्टेड है, जो व्यक्ति पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं उन्हें क्या करना है कि अभी थोड़ा बहुत यदि आपके पास जितने भी क्वांटिटी है हाफ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दीजिए, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए और हाफ क्वांटिटी को होल्ड कीजिए, क्योंकि लंबी अवधि में इसमें और भी ज़्यादा आपको मुनाफा कमाने के चांसेस रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये पता लग जाएगा कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर्स कंपनी का सेल्स डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अब जाके सीजन आने वाला है गन्ना का सीजन, अब गन्ना चीनी मिलों तक पहुँचेगा तो अब कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो सीजन होता है अब गन्ना होना कटाई का सीजन है, इसके बाद धीरे धीरे जनवरी फरवरी मार्च तक गन्ना की पेराई होता है चीनी मिलों में, तो अब जाके जो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आएंगे वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखेंगे जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है पिछले कुछ दिनों कुछ सालों में देखें तो आपको बढ़ते हुए दिखा है। पहले 54% के आसपास था, जो बढ़कर तकरीबन 60% के करीब हो गया, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स वो भी इसमें भरोसा दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय में तहलका मचा सकता है। बाकी जो पब्लिक हिस्सेदारी है, पब्लिक की हिस्सेदारी तो घटती बढ़ती रहती है, पब्लिक हिस्सेदारी में नहीं है उतना, लेकिन ओवरऑल प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में जो कि पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। ओवरऑल यदि गायत्री शुगर्स के बारे में बात करें तो एक ही बात कहना है कि लाजवाब कंपनी है, इससे अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिए, और यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो इसे लंबी अवधि तक होल्ड कीजिए। उम्मीद करता हूँ गायत्री शुगर्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसको लेकर मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।